दोस्तों यहाँ पर छोटे से नाली में एक हाथी का बच्चा गिरा था। बच्चे को देखते ही एक शेरनी दौड़ी चली आती है। तभी एक बड़ा हाथी शेरनी का रास्ता रोकता है और बोलता है, खबरदार अगर आगे आई तो। शेरनी वही बैठ के बाकी हाथियों के जाने का वेट करती है। लेकिन हाथी इंसानों से ज्यादा सोशल होते हैं। वे बड़े वयस्क हाथी को मुश्किल में छोड़ के नहीं जाते। यहाँ तो बच्चा मुसीबत में फंसा है। बच्चे के चारों पैर ऊपर होने से वह नाली में फंस गया था। बच्चे को बचाने के लिए हाथी तुरंत काम पर लगते है। एक हाथी जोश में बच्चे के पास आता है और बोलता है, चल बच्चे उठ, हमें निकलना है। बच्चा बोलता है, नहीं थोड़ी देर और आराम करता हूँ। क्या बात करता है तू, मैं यहाँ फंसा हूँ और तू जाने की बात करता है। तभी वह एक वयस्क और एक्सपीरियंस हाथी आता है जिसका नाम बिरजू था। बिरजू आते ही पानी मुंह पर मार के फ्रेश होकर बोलता है, चलो बाजू हटो, मैं निकालता इसको। बिरजू पैरों की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो पैर के सहारे बच्चे को एक साइड करने की कोशिश करता है। बिरजू का प्रयास देख के बच्चे के खोए हुए अरमान जागते है। इधर बिरजू बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और ये हाथी कुछ अलग ही गुल खिला रहा था। दरअसल ये हथनी इस हाथी की आइटम है। ये मजनू हाथी पीछे आकर आइटम को प्राइवेट जगह चलने को बोलता है। आइटम उसे मना करती है लेकिन ये बार बार वही दिल लाता है। आखिर आइटम गुस्सा करके बोलती है, अरे टाइम और जगह तो देख मजनू कहीं का। इधर काफी प्रयास करने पर बच्चा बाहर नहीं निकला। आखिर बाकी हाथी हताश होकर चलने लगते हैं। एक हाथी बिरजू को बोलता है, अरे बिरजू छोड़ उसे, हमें और आगे जाना है। हाथी चले जा रहे हैं ये देख के शेरनी के दिल में खुशी के बबल उफलने लगते हैं। इधर बिरजू बोलता है, मैं मुन्ना को अकेले नहीं छोड़ सकता, मुन्ना तुझे मैं बाहर निकालूंगा। ऐसा बोल के बिरजू मुन्ना का एक चक्कर लगाता है और देखता है कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। बिरजू मुंह पर पानी मार के काम पर लगता है। इधर शेरनी के खुशी के बबल तुरंत मुरझा गए। तभी इधर बिरजू के दिमाग की बत्ती जलती है। बिरजू मुन्ना का पैर पकड़ के उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो मजबूत पकड़ नहीं मिलती। बिरजू अपने दांत के सहारे से मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करता है। आखिर बिरजू को वो मजबूत पकड़ मिलती है और बिरजू मुन्ना को उठाकर बिठाता है और पीछे से धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। बच्चे को बचाने में बिरजू की टट्टी तक निकल गई लेकिन बिरजू ने हार नहीं मानी और आखिर बिरजू की कड़ी मेहनत से बच्चा बाहर निकल गया। यह देख शेरनी जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से रिवर्स चली गई। दोस्तों बिरजू की इस कड़ी मेहनत ने एक बच्चे की जान बचाई। बिरजू के लिए एक लाइक तो बनता है और नीचे पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए उसे ज्वाइन करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ओके अरे एक वर्ड घेतला की डोक कसा तड़ 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 तड़।